ठीक है। आज यहाँ पे रोहतक की जाट धर्मशाला के अंदर रोहतक के सामाजिक खापों से संबंधित, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित ऐसे प्रमुख नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पर हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक पहल की है भगत धन्ना जाट की जयंती मनाने की। उस कार्यक्रम का आयोजन 23 अप्रैल को कैथल के धनोरी गांव में किया जाएगा और उसी की तैयारी की आज ये बैठक थी। ये बड़ी खुशी है कि पूरे रोहतक जिले के बहुत ऐसे प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और खासकर के युवा साथी इस बैठक में आए और उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री जी की इस पहल को वो पूरा करेंगे और बड़ी संख्या में धनोरी गांव में 23 अप्रैल को पहुंचेंगे। सर, जिस तरह से किसान समुदाय से आते हैं और सर आज के मौसम बारिश और ओलावृष्टि से पूरे प्रदेश में जो किसान की फसल बर्बाद हो गई, तो जिस तरह से किसान ये कह रहे हैं कि पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला है, तो इस बार भी सरकार से भरोसा नहीं है। देखिए, एक तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस बार हरियाणा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके कारण से बड़ा नुकसान किसान का हुआ है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो पूर्व में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब से 2014 में सरकार आई है, सर्वाधिक मुआवजा, सर्वाधिक नुकसान की भरपाई हमारी सरकार ने की है। कहीं कोई पीछे कोई कमी रही होगी उसकी भी भरपाई होगी। और वर्तमान में किसान का एक एक जो दाने का नुकसान हुआ है, चाहे वो बीमा कंपनी के माध्यम से भरपाई हो या सरकार के द्वारा जो एक सर्वे करवा करके, गिरदावरी स्पेशल करवा करके मुआवजा देने की बात हो, किसान की भरपाई जरूर होगी। भूपेंद्र सिंह कहते हैं हमारी सरकार में किसान के टैक्स नहीं होता, लेकिन सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगा दिया। देखिए, हुड्डा साहब के पास कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं। उनके पास जितने भी राजनीतिक इस प्रकार के हथियार थे, उनके तस्कर में जो जो भी चीजें थी वो सारा उन्होंने उपयोग कर लिया। कोई भी उनके काम आ नहीं रहा, उनका हथियार, कोई भी औजार उनका चल नहीं रहा। इसलिए अब इस प्रकार की जो लोगों को गुमराह करने वाली बातें होती हैं, तो गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा की जनता को कर रही है। जितना काम, जितनी पारदर्शिता के साथ और जितने इन लोगों ने नौकरियों में, ट्रांसफर में और किसानों की जमीन, जो लोग कहते हैं ना हम सबसे बड़े किसान की देशी हैं, उन लोगों के राज में किसानों की जमीन को अधिग्रहण का भय दिखा करके उनकी जमीन लूटने का काम होता था, ये हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक चलता था, वो अब नहीं है। इसलिए अब उनको लगता है कि जब सीधी बात नहीं बनेगी तो लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, गुमराह करने के लिए बात करें। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत सियाणी हो चुकी है, बहुत समझदार है हरियाणा की जनता, इसलिए आपकी बातों में आने वाली नहीं। वही एक मौसम की किसान को मार पड़ी है, दूसरा 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हुई है, लेकिन अब तक जो सरकारी एजेंसी है ऐसा नहीं है, गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, नमी अगर ज्यादा होगी, आज उसको बोरी में भर के धर देंगे तो वो खराब होने के उसके ज्यादा चांस हैं। बल्कि खुले में अगर एक दिन दो दिन उसमें हवा लग जाती है, तो मैं भी किसान हूँ, सारी बात को समझता हूँ कि कब किसान की फसल खरीदी जाएगी और कैसे खरीदी जाएगी। सरकार का इस बात के ऊपर पूरा फोकस है, किसी भी सूरत में किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार का संकल्प है। एक काफी गर्मा मुद्दा है, देखिए, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये चुनाव के बाद का गठबंधन था और गठबंधन के अंदर इस प्रकार की बातें होती हैं, तो गठबंधन की बात है, दो पार्टियों की बात है, एक ही पार्टी के अंदर भी कई बार कार्यकर्ताओं की अलग अलग बातें दिखाई देती हैं, तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कोई दूसरा अर्थ इस बात में से नहीं निकालना चाहिए।